इस अनार के लिए तो राम बाण है, अनार के लिए तो राम बाण है, इनके सिवा तो ये आपको अनार पक जाएगी, ये फट जाएगी, ये फटना कटना सब रुक जाना, ये रुकेगा तो ये सॉइल चार्जर से रुकेगा, हमारे पाताराम आना चाहिए, इस सॉइल चार्जर का सारा लेना चाहिए। ये दूसरी दवाइयां से परेशान हो गया, मान लो कितने दवाइयां का डब्बा भर दिया। अरे बाप रे, हाँ आपका खर्चा कितना हुआ है इस साल, आपका खर्चा कितना हुआ है? ब्रांच इतनी ब्रांच लाइन की वजह से खर्चा तो कम किया है, गई साल तो कई लाखों रुपए खर्च किए, और इतना खर्च करके भी आपको जो उत्पादन जो यील्ड मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, वो नहीं मिला बराबर, वो भी बीमारी ही लग रही है बराबर, तरफ से बीमारी अभी वो पौधे बीमार है। लेकिन मैं तो उनका सबका चौल चार्जर टेक्नोलॉजी का सहारा लो, आपका बगीचा खेत फल फूलों से लग जाए। सर का तो ये नंबर वन बगीचा मेरे दोस्त का, ऐसा बगीचा कहीं नहीं देखा मैंने तो, ऐसा बगीचा हाँ राजस्थान में गुजरात में भी नहीं है, पूरे राजस्थान में गुजरात में भी ऐसा बगीचा इस साल नहीं है, पूरे मैं तो बोल रहा हूँ लोगों को, हो सकता है कि भारत का नंबर वन ये बगीचा हो सके। ओके आगे आइए, आगे लग रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है अनुभव है और देखा भी है मैंने कि ये बगीचा भारत का नंबर वन है इस साल का 2020 का। ओके दूसरे बगीचे तो सब दागी है, फल है नहीं, खाली पड़े, बिल्कुल खाली पड़े, इसमें फल भी है और शाइनिंग अच्छे अच्छे क्वालिटी की गोटी बढ़ रही है। तो अभी ये जो बगीचा आपके जो दोस्त का बगीचा देख रहे हैं आप, तो ये देख के क्या महसूस हो रहा है आपको? सर महसूस क्या हो, एकदम मेरा मन भी खुश हो रहा है, हाँ। कि ये बगीचा जो मैंने ये दवाई यूज की होती तो मेरा भी ऐसा होता, हाँ। इन्होंने बोला भी था, हाँ। मैं ये ले रहा, मैंने माना नहीं, हाँ। नहीं मेरे तो वो चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, हाँ। पहले तो पता नहीं था, पता अब चला, मैं आया महीने पर पहले, हाँ। तब मुझे पता चला कि ये नंबर वन बगीचा है। मैं तो कह रहा हूँ एक ही बात है किसानों, हाँ। ये सॉइल चार्जर है तो सब कुछ है, हाँ। और तो है ही नहीं है, जो खेती इनके पोषण के लिए, हाँ। इनके कमा मनुष्य के लिए खाने के लिए होता है भोजन, हाँ। बराबर है सात्विक, हाँ। वो उसके तामस नहीं आता है बराबर, इसी तरीके से इसमें कुछ ये सॉइल चार्जर डालोगे, हाँ। तो ये फंगी है रोग है ये नहीं आएंगे, ये 100% में गारंटी जाता है बराबर। अभी अनाज की कहो, एरंडा कहो, सरसों कहो, सना कहो, गेहूं कहो, जो को सॉइल चार्जर के लिए तो रामबाण है ये इस खेती के लिए। सर अपना परिचय दीजिए ना। वरदाराम सर मेरा नाम। पता यहाँ का? यहाँ का गांव कांटोल, जिला जालौर, तहसील सरनाऊ। ओके जी सर। तो आज जो हम आपके बगीचे में खड़े हैं, तो आज तारीख कितनी है? आज तारीख 10 दस और बारहवा महीना है, 10 और 12 2020। तो आज की तारीख में यहाँ पे जो हम खड़े हैं आपके बगीचे में, तो टोटल यहाँ पे कितने पौधे हैं? 750 अनार के, 750 पौधे, 750। और अभी ये कितने साल के पौधे? 3 साल हो गए सर। 3 साल प्लांटेशन करके हो गए, हाँ, प्लांटेशन। अभी ये फसल जो आपने ली है इसके ऊपर, हाँ। वो कितनी फसल है ये? दूसरी बार है, दूसरी फसल है, इसके पहले एक बार फसल ले, हाँ, चुके हैं। तो इस बार जो आपने फसल ली है, हाँ जी सर, तो अगर इसमें आप सेटिंग देखोगे, ये पूरे मेन जो ब्रांच है उसको ही सेटिंग हो गई है, हाँ, बराबर है, हाँ, तो अगर आप गिनोगे तो कितने फल है एक जगह पे बंचस में जो फल लगे हैं? कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10, 12 फल एक ही बंच में है, हाँ जी, बराबर है। आप यहाँ पे भी देखोगे सेम वैसा ही है, हाँ, बराबर है। तो आपने इससे पहले जो एक बार फसल पकड़ी थी, हाँ, तो उसका थोड़ा सा अनुभव बताए ना, उस टाइम ये जो फल वगैरह लगे थे सेटिंग हुई थी तो कितनी हुई थी? सर गई साल तो मेरे पास में ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का कोई था नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। तो इस साल मैंने यूज किया है, हाँ। इस साल में यूज करने के बाद में अभी ये फल गई साल से तो अच्छा ही है। ओके हाँ, गई साल जो 2019 से तो 2020 में ये फल आए हैं, इतने, हाँ, फल गई साल नहीं आए थे। ओके और उसमें भी पहला बार था। ओके तो आप देखेंगे इसकी जो कैनोपी दिख रही है, हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, कैनोपी कैसी लग रही है आप इस साल? कैनोपी भी अच्छी है सर,
इसके पहले थी गए साल नहीं, जो नहीं, आपने जो फसल बगड़ी थी तब उस टाइम किस ठिकाने पे थी फसल? तो ये क्या, ये तो यहाँ का तो बगीचा है ना, पूरे ये जल गया। कई साल तो दागी थे, पूरे दाग दाग आए थे फल के ऊपर। इसमें मैंने जो शाइनिंग लग रही है, अच्छी शाइनिंग भी अच्छी लग रही है। सर आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम सर पाताराम चौधरी है। आप कहाँ से? कांटोल से ही है हम, पंचायत नैनोल है, समिति छानसोर सन्नव है, वैसे जिला जालोर है। ओके, आप वर्धमान जी के दोस्त है? हाँ, हम एक ही गांव के हैं, वैसे दोस्त भी हैं। 2000 पौधे मेरे भी लगे हुए हैं। वो कितने साल के? वो भी 3 साल का ही है, इसी के बराबर। हाँ, इसी के। तो आपके और इनके बगीचे में क्या आपको फर्क दिखता है? फर्क तो दिख रहा, इन लोगों ने, वर्धा भाई ने क्या किया है, ये बोल रहे हैं ये दवाई चार्जर यूज किया है। वो हमने यूज नहीं किया इस साल। ओके, वो मेरा फल दागी है। ओके, दागी फल, है दागी है और फल भी कम है मेरे बगीचे में। ओके ओके, आगे आई ना, आगे आई ना, आगे दिखाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेड़ दिखा के हम ये वीडियो में सिर्फ सेटिंग अच्छी हुई है ऐसा दिखा रहे हैं, बराबर है। तो आप दूसरा भी पेड़ देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। ये बगीचे में किसी भी पेड़ के ऊपर अगर देखेंगे तो बंचस में फल लगे हैं। सेटिंग जो हुई है वो पूरी बंचस में है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। सर इस साल का तो ये नंबर 1 बगीचा मेरे दोस्त का, ऐसा बगीचा कहीं नहीं देखा मैंने तो। ऐसा बगीचा हाँ राजस्थान में, गुजरात में भी नहीं है, पूरे राजस्थान में, गुजरात में भी ऐसा बगीचा इस साल नहीं है। पूरे बोल रहा हूँ लोगों को, हो सकता है कि भारत का नंबर 1 ये बगीचा हो सके। ओके, आगे आइए, आगे लग रहा हूँ मैं, आगे मुझे ऐसा लग रहा है, अनुभव है और देखा भी है मैंने कि ये बगीचा भारत का नंबर 1 है इस साल का 2020 का। ओके ओके, दूसरे बगीचे तो सब दागी है, फल है नहीं, खाली पड़े, बिल्कुल खाली पड़े। इसमें फल भी है और शाइनिंग अच्छे अच्छे क्वालिटी की गोटी बन रही है अब। ओके ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, या आपने इस साल क्या ट्रीटमेंट किए वदाराम जी? मैंने तो ग्रीन गुजरात, हाँ, करसे अमृत, हाँ, और सैनिटाइजर। ओके, बेसल लोस में, बेसल लोस में, बेसल लोस में दिया था। कितने दिन पहले बेसल लोस भरा था आपने? मैंने तो 8वें महीने में, यानी अगस्त महीने में, अगस्त महीने में। और कितना दिया था आपने बेसल लोस, कितना दिया था? बेसल लोस एक पौधे में 2 किलो, 2 किलो कृषि अमृत गया था आपका। और ग्रीन गुजरात कितना गया था? 500 ग्राम, यानी आधा किलो एक पौधे के लिए। ओके ओके, यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे आइए। हाँ सर, इस साइड पे आइए। तो आप देख सकते हैं किसी भी पेड़ को, सर वहाँ दिखाइए, पूरी आप बगीचे में देख सकते हैं जो सेटिंग जो हुई है। हाँ हाँ। तो एकदम जबरदस्त सेटिंग है, और कुछ अभी कली भी निकल रही है, बराबर है, यानी कली भी निकल रही है, सेटिंग भी हुई है और साइज भी बढ़ रही है, बराबर है। तो आपने बोला था सिर्फ एक बार बेसल लोस दिया है। देखो आप सर, ये स्टोक आप देखो, स्टोक देखो, बराबर। तो ये अभी 1.5 महीने का आप बता रहे थे, 45 दिन हुए बगीचा पकड़ के, बराबर है। तो 45 दिन में ऐसा रिजल्ट है, और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही बार, यानी अगस्त महीने में रेस्ट पर आपने बेसल लोस दिया, बराबर है। सर यहाँ पे आइए, ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो फल लगा है वो पूरा ब्रांचेस में है, बंचस में दिख रहा है पूरा, बराबर। तो आप कैनोपी देख सकते हैं, कैनोपी कितनी बढ़िया है देखो यहाँ पे, जी सर, बराबर है। तो इस साल जो आपने ट्रीटमेंट चेंज किए, गए साल के हिसाब से इस साल आपने जो ट्रीटमेंट चेंज किए, तो क्या अनुभव है आपका, क्या कैसे लग रहा है? बस ये मेरा कहना है किसानों से कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। ओके, जो खेती के बारे में जो ये है ऑर्गेनिक खेती है, कोई ऐसा नहीं है जो वो क्या कहते हैं इनको केमिकल वगैरह नहीं है। आइए ना, आगे आइए, टेक्नोलॉजी इस अनार के लिए तो रामबाण है। ओके ओके, अनार के लिए तो रामबाण है, इनके सिवा तो ये आपको अनार पक जाएगी, ये फट जाएगी, ये फटना करना सब रुक जाना। हाँ हाँ, ये रुकेगा तो ये सॉइल चार्जर से रुकेगा। ओके ओके, आगे आइए ना, आप कुछ बता रहे थे कि थोड़ी देर बाद पहले हम चर्चा कर रहे थे, जी सर, आप बोल रहे थे ये जो पेड़ है वो शौक में थे पूरे, बराबर है। हाँ हाँ। और जब से ये ट्रीटमेंट चालू कर दी है तो पौधों में ग्रोथ है, सुधार है, ग्रोथ है, सुधार, बराबर है। तो आपने एक बार नीचे ये खरपतवार भी मारा था क्या? खरपतवार नहीं मारा मैंने, नहीं मारा, नहीं मारा, ठीक है। मगर ये जो जला हुआ है ये किस वजह से निकल गया है? बरसात का पानी था, वो था, अभी नहीं है। हाँ हाँ, यानी पानी रुकता है आपकी जमीन में? हाँ, वो आगे रुकता है, यहाँ तो नहीं। ओके ओके, और यहाँ की जो जमीन है वो भी बहुत सख्त जमीन है। अच्छा, जमीन, आप अगर यहाँ पे अगर बेड बनाते हो तो और भी आपको क्या मिलेगा, उसमें सुधार मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जो अभी जो फल लगे हैं, जो सेटिंग हुई है, तो ये देखो ना, पूरे जो है सभी तरफ जो बंचेस दिख रहे हैं आपको, बराबर है।
तो आप खुश है इस साल? मैं तो खुश हूँ। और मैं तो खुश हूँ, किसानों को बोल रहा हूँ, हमारे पाताराम को कह रहा हूँ, हमारे पाताराम आना चाहिए, इस सोयल चार्जर का सारा लेना चाहिए। ये दूसरी दवाइयाँ से परेशान हो गया, मान लो कितने दवाइयाँ का डब्बा भर दिया था। अरे बाप रे। हाँ, आपका खर्चा कितना हुआ है सर? इस साल आपका खर्चा कितना हुआ है? ब्रांच से अपनी ब्रांच लाइन की वजह से खर्चा तो कम किया है। गई साल तो कई लाखों रुपए खर्च किए थे। और इतना खर्च करके भी आपको जो उत्पादन जो यील्ड मिलना चाहिए था वो मिला नहीं? नहीं मिला। बराबर है, वो भी बीमारी ही लग रही है। बराबर है, तरफ से बीमारी लग रही है, पौधे बीमार है। लेकिन मैंने तो इनका सबको छोल चार्जर टेक्नोलॉजी का सहारा लो, आपका बगीचा खेत फल फूलों से लग जाएगा। तो अभी ये जो बगीचा आपके जो दोस्त का बगीचा देख रहे हैं आप, तो ये देख के क्या महसूस हो रहा है आपको? सर महसूस क्या हो, एकदम मेरा मन भी खुश हो रहा है। हाँ। कि ये बगीचा जो मैंने ये दवाई यूज की होती तो मेरा भी ऐसा होता। हाँ। इन्होंने बोला भी था। हाँ। मैं ये ले रहा, मैंने माना नहीं। हाँ। नहीं, मेरा तो वो चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। पहले तो पता नहीं था, पता अब चला, मैं आया महीने भर पहले। हाँ। तब मुझे पता चला कि ये नंबर वन बगीचा है। अभी 3 साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसका जो ग्रोथ है, हम 4-5 दिन में राजस्थान में घूम रहे 4-5 दिन से, तो मुझे ऐसे 3 साल का इतना बड़ा पौधा जो ग्रोथ कर रहा है ऐसा कहीं नहीं देखा। क्योंकि क्या किया है, कुछ किसानों ने यूज किया है टेक्नोलॉजी, मगर खाली सॉइल चार्जर यूज किया है। जी सर। तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरा अगर आप शेड्यूल फॉलो करते, पूरा सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसा जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो ऊपर जो लगाया ये जाली, ये किस लिए लगाया? अभी तोतों के पंछी आ रहे हैं यहाँ पे, तोते और पंछी की प्रॉब्लम है, फल खाते हैं, तो इस वजह से आप ये लगाए, नेट लगाई। ओके ओके, तो क्या कहना चाहेंगे अंत में जो राजस्थान के किसान है जो अनार की खेती कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे? बस मैं तो यही बताऊंगा कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक दवाई है, ये यूज में करो, आपका सही हो जाएगा। और खर्चे के बारे में, खर्चे के बारे में तो जैसे लाख होता है उसका चौथा हिस्सा कर दो, 25,000। यानी खर्चा भी कम है और जो आपको रिजल्ट मिल रहे है। बराबर है, तो पौधों की भी सेहत बनी रहती है। बराबर है, आपको जो उत्पादन चाहिए वो भी मिलेगा। और महत्वपूर्ण ये यहाँ पे एक चीज है, आप बता रहे थे कि ये ऑर्गेनिक होने के कारण क्या कर रहा है, आपको मिट्टी को क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है, आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बना रहा है। तो अगर आप, हम इनसे पूछना चाहूंगा मैं, अगर समझो अभी दोस्त का बगीचा देख के आपका मन खुश हो रहा है, बराबर है, तो आप जो गलती की रही है, गलती की है समझो, हाँ, जो दवाई यूज करके, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर इसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे, हमने ये किया होता तो अच्छा रहता। हाँ, हाँ, हाँ। अब इस साल तो कुछ नहीं कर सकते, भाई को बोला मैंने। ओके, अगली साल से मैं भी ये यूज करूंगा। अब आप राजस्थान के जो अनार के किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ की इस साल पूरे बगीचे है जो खाली पड़े हैं, जो ये दवाई काम आए तो लेनी एकदम अपनी मजबूरी है और जरूरी भी है। हाँ, हाँ, हाँ। जरूर, इनके बिना काम नहीं आएगा। बराबर, तो ये लेना जरूरी भी है। हाँ, हाँ, दूसरी दवाई तो काम आ नहीं रही है, बीमारी लग रही है, जैसे वो कोरोना लग रहा है ना। हाँ, हाँ, वैसे इनमें भी बीमारी लग गई है सब। ओके ओके, तो क्या मगर एक बात है, आप जो दवाई बोल रहे हैं ना, दवाई ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट, ये दवाई नहीं है। अच्छा, पहले ये बात समझ लो आप। हाँ, ये जो आप अनार की खेती कर रहे हैं, कौन सी भी फसल ले रहे हो आप जमीन में, वो फसल का ये अन्न है, यानी उससे पोषण मिलता है। अच्छा, ये कोई दवाई वगैरह नहीं है। अच्छा, तो ये बात आपने दिमाग में बिठा लो। और अगर खाना है, हाँ खाना है, अभी बराबर बोला आपने, अगर आप खाना देते हो तो पौधा क्या करता है, ग्रोथ करता ग्रोथ है, करेगा, बराबर, बढ़ेगा, बराबर, साइज बढ़ेगा। और वर्धमान जी क्या कहना चाहेंगे अब? बस मैं तो कह रहा हूँ एक ही बात है किसानों की। हाँ। ये सॉइल चार्जर है तो सब कुछ है। हाँ। और तो है ही नहीं है, क्योंकि खेती के इनके पोषण के लिए। हाँ। इनके खाना मनुष्य के लिए, खाने के लिए होता है भोजन। हाँ। बराबर है, सात्विक। हाँ। वो उसके तामस भाव नहीं आता है। बराबर, इसी तरीके से इसमें कुछ ये सॉइल चार्जर डालोगे। हाँ। तो ये फंगी है, रोग है, ये नहीं आएंगे, ये 100% में गारंटी देता हूँ। बराबर है, अभी मेरे हिसाब से आपको ये इसकी मालूमात जो है टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कहाँ से हुई थी? मेरे तो यूट्यूब से। आइए ना, आगे आइए ना, यूट्यूब से सर, यूट्यूब से मालूम हुआ। और कैसे यूज करना, कैसे चालू किया फिर? फिर तो यहाँ तो कोई ब्रांच है नहीं। तो चार्जर की तो आपने कैसे मंगवाया? यूट्यूब से, फोन से, फोन करते करते करते। हाँ हाँ, आप देखो ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो मेन ब्रांच है उसको ही माल लगा है बराबर है। और अभी 45 दिन में इतनी ग्रोथ है तो अभी हमारे 4.5 महीने बाकी है। अगर ये सेकंड डोज आप बेसल डोज अगर रिपीट करते हो बराबर है तो क्या लगता है आपको जादू दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जादू दिखेगा बराबर है। तो आप जो बता रहे थे आपको जो मालूमात हुई यूट्यूब से तो आपने कैसे मंगवाया ये सॉइल? मैं तो मंगवाया राजकोट से। राजकोट से उसमें राजकोट में कौन सा गांव? जतपुरा से। हाँ, जतपुरा से मंगवाया और हमारे बस द्वारा यहाँ आया। हाँ। और आपको धीरे धीरे आपने और आपके और मेरे परिचय हो गया। हाँ, हाँ। और फिर धीरे धीरे आपको यहाँ आने का मौका दिया आपने। ओके ओके ओके, यानी आप पूरा जो गाइडेंस ले रहे हैं वो नासिक ऑफिस से ले रहे हैं और उस खाली फोन के ऊपर गाइडेंस करके ये जो बगीचा आपने डेवलप किया आगे आइए ना। हाँ। ये देखो ना यहाँ पे तो खाली फोन के ऊपर गाइडेंस लेके आप ये कर सकते हैं। हाँ, बराबर है। तो अगर आपके एरिया में अगर कोई गाइडेंस देने वाला विजिट देने वाला रहेगा ठीक है तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी किसान को ऐसी दिक्कत आएगी। क्या नहीं लगता किसान को? किसी को नहीं लगता। हाँ, हाँ, किसान ये परेशानी सब दूर हो जाएगी। बराबर है। हाँ। तो आपके यहाँ पे एरिया में जो हम 2-4 दिन से घूम रहे हैं। हाँ जी सर। यहाँ पे सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी है। हाँ। मोहन जी आइए ना, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहन लाल, मैं बालोतरा से हूँ, बूढ़ीवाड़ा। ओके, आपका नंबर बताइए। 810-72-22-338। और किसानों को अगर यहाँ पे कांटेक्ट करना है और जो जो अनार की खेती है उसको अगर सही तरीके से और पोषण देके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है तो आप उनको गाइडेंस करते हैं बराबर है। तो ठीक है, तो वर्धमान जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बस हमारा तो क्या, आप आ गए और बगीचा देख लिया। हाँ। ये है अपना माल बेटा जो सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से। हाँ। ये रिजल्ट हमारे को मिला है। तो जो राजस्थान के किसान है ये यूज लो, आपकी खेती सुधर जाएगी। अनार की कहो, एरंडा कहो, सरसों कहो, सना कहो, गेहूं कहो, जो कहो, सॉइल चार्जर के लिए तो रामबाण है ये इस खेती के लिए। तो आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9610066887। ओके, और सर आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 97-72-72-82-28। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।